उड़ के मंडप छोड़ के आ गई यहाँ पे मैं। मेरे सामने सर। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो सैलून टाइम विद फिरोज। और आज मैं आया हूँ दिल्ली हार्ट, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारी एक मॉडल्स का मेकअप का शूट चल रहा है। मेकअप हुआ है उनका और हेयर स्टाइल हुआ है, तो उनकी शूटिंग चल रही है यहाँ पे। कुछ फोटो वगैरह शूट हो रहा है, कुछ वीडियो शूट हो रही है, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। ये देखिए फोटो शूट हो रहा है, वीडियो शूट हो रही है, और जो ये फोटो शूट कर रही है इन्होंने ही मेकअप किया है, बहुत ही अच्छा मेकअप किया है। अभी मैं पास से आपको ले जाकर दिखाऊंगा। पहले आपको ये जगह देख लो, दिल्ली हार्ट है ये, पीतमपुरा के पास नेताजी सुभाष प्लेस के अंदर ये दिल्ली हार्ट है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये फोटो शूट या वीडियो शूट करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्रामर यहाँ पर आते हैं वीडियो बनाने के लिए। अभी फ़िलहाल ये इंस्टाग्राम रील बन रही है, इसके बाद फोटो शूट हो गया, फिर यूट्यूब वीडियो बनेगी। काफ़ी मज़ा आने वाला है, हर एक छोटी छोटी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कैमरे के पीछे होता है। कैमरे में सिर्फ डायलॉग सीरियस चीज़ ही शूट होती है, और कैमरे के पीछे फुल मौज मस्ती चलती है। आसपास के सारे लोग हमारे मॉडल्स को देख रहे हैं, तो हमारे मॉडल थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है सबको देख कर। फोटो वीडियो में जो एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं वो नहीं आ पा रहे। इंस्टाग्राम रील्स फोटोज जिस आईडी पे डलेगी उस आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर देख सकते हो। मॉडल काफ़ी खूबसूरत है, ये मुझे पास जाने का मौका नहीं मिल रहा, मैं पास से ले जाकर आपको दिखाऊंगा। ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट वीडियो काफ़ी अच्छी बना लेती है और फोटो भी काफ़ी अच्छी खींच लेती है, तो इन्होंने फैसला किया कि ये फोटो वीडियो मैं खुद बनाऊंगी। और मॉडल को देखने के लिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, अब तो थोड़े से लोग बचे हैं। बिल्कुल दुल्हन की तरह मैंने इनको तैयार किया, तो सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे इनकी शादी हो। आज धूप नहीं है फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग हैं और कुछ लोग जा चुके हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमारे मॉडल की हालत ख़राब हो रही है, इतने हैवी कपड़े हो फिर मेकअप। इनका दिल कर रहा है बस किसी तरह भाग जाए यहाँ से, जल्दी से ये फ़ोटो वीडियो शूट हो जाए, उसके बाद निकल जाए यहाँ से। पर हमारे मेकअप आर्टिस्ट का दिल ही नहीं पता फोटो वीडियो से, इन्होंने अभी इंस्टाग्राम फोटो और वीडियो ही कम्प्लीट नहीं हुई, अभी यूट्यूब की वीडियो का भी बाकी है। मेकअप आर्टिस्ट के साथ इनका असिस्टेंट बिल्कुल साथ में है, क्योंकि थोड़ा सा भी मेकअप ख़राब हो जाता है तो फोटो वीडियो अच्छी नहीं आती, इसलिए हल्का सा भी मेकअप ख़राब होता है तो वो ठीक कर देती है। मेरे पास बहुत स्टॉक हो, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। और यहाँ पर जान पहचान के कुछ फ्रेंड मिल गए थे इनके, तो उनको बहुत खुशी हुई इनको इस रूप में देखकर। बात करने का ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि फोटो वीडियो शूट हो रही थी, तो इनको हमने बोल दिया कि थोड़ा बाद में मिलते हैं। पर ये लोग रुके नहीं क्योंकि इनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था। बाकी देखने वालों की काफ़ी अच्छी भीड़ लग रही थी यहाँ पर, लड़के लड़कियाँ बहुत गौर से देख रहे थे सब लोग। ये कुछ फ़ोटो है जो मैंने अपने फ़ोन से शूट किए थे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जब वो यूट्यूब के लिए वीडियो शूट हुई थी, कैमरे के पीछे कैसे मौज मस्ती चलती है वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लड़की की एक्टिंग देखो, रोने वाला रोल है, रस्ते ज़्यादा हैं। क्या मैटर हो गया उनका, तो वो कह रही है कि मैं घर भी नहीं जा सकती। तो मैं बोल रहा हूँ चलो घर चलो, रिया समझा देंगे, तुम्हारे घर वालों को संभाल लेंगे। तो अभी तो मना कर रही है, लो बात करो उससे, लो रिया से बात करो। कुछ नहीं भाभी, बस मैं घर से बात करा गई अपनी शादी से। पता नहीं मैं पागल ही हो गई हूँ, मैं उस चक्कर उस इंसान के चक्कर में पागल ही हो गई हूँ। मैंने भागना नहीं था ना मंडप से, उसके चक्कर में भागी हूँ मैं। मैं डब हूँ ना, इतनी बड़ी गलती करती मैंने उसके चक्कर में आके ना। यार तू मेरे सामने जा, अभी भी रुक जा अभी, और तुम्हें किले भेज मत देना। मैं अपनी लाइफ की ना सबसे बड़ी गलती करी है, उसके चक्कर में आके मैं यहाँ पर आई, घर वालों को छोड़ के मंडप छोड़ के आ गई यहाँ पे मैं। बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। जब मैं आया था ना तब भी रो रही थी, मैं तो मैंने पहचान लिया दूर से। चलो लो जी, शूटिंग हो चुकी कंप्लीट, अब चल रहे अपने अपने घर। आ तो आज हमने जितनी फोटो वीडियो रील्स बनाई है सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो।